दीन मुकम्मल हो गया है इसमें इजाफे की गुंजाइश नहीं है और ना इसमें कोई चीज कम रही है अगर कोई चीज समझ में ना आए तो दीन की कमी नहीं है वो हमारे फहम की इल्म की कमी है कि हमारी समझ में नहीं आ रही है बात दीन मुकम्मल है अगर वो मसला हमें नहीं मिल रहा है उसमें तो वो कमी हमारी है दीन की नहीं दीन मुकम्मल है और उसकी किताब आसमानी हिदायत दस्तूर वो भी मुकम्मल है उसमें अल्लाह ये ऐलान फरमाया ये ऐलान किसी इंसान का नहीं है ना नबी का है ना सहाबा का है ना अहले बैत का है ना खलफा राशिदीन का है ना किसी और का है ये ऐलान उस जात का है जिसने कुरान नाजिल किया है जिसने दीन भेजा है तो वो कह रहा है मेरा दिन मुकम्मल है अब कोई आदमी इसमें कहे नहीं इसमें ये चीज रह गई है और हमारे जमाने के हमारे जमाने से पहले के फला आलिम फला अल्लामा, फला मौलाना फला मुफ्ती फला फकीह वो इस कमी को पूरा करेंगे तो वो सबसे पहले तो अल्लाह पर इल्जाम लगा रहा है फिर कुरान शरीफ पर इल्जाम लगा रहा है कि ये गलत दावे करती है ये किताब कह दिया दीन मुकम्मल है हालांकि मुकम्मल नहीं था हमारे मुफ्ती साहब ने ये मसला इसमें इजाफा किया है तो ये बहुत ही संगीन बात है अल्लाह इज्जत के अतबार से इस किताब के अतबार से इस दीन में इजाफे की कतन गुंजाइश नहीं इसमें कमी बताए या इसमें यह कहे कि ये बात दीन से खारिज है यह दीन का हिस्सा नहीं है बाहर सूरत वो आदमी मुजरिम है अल्लाह का कुरान का इस दूर इलाही का और बागी है शरीय इस्लामिया का तो एक बात तो ये हुई कि दीन मुकम्मल हो गया है इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आए आई प्लस टीवी ने एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसका नाम है आई प्लस टीवी इख्तिला का हल इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलासायल पर वीडियोज आएगी लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ आपको मैं दावत देता हूँ कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके जजाकल्ला खैर वसलम वरम